एट द पॉइंट बेस। अच्छा हमारे पास यहाँ पे कर्व्स दिए हुए हैं, y इक्वल टू में 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू में 2y-3 और यहाँ पे एट पॉइंट 12 पे कह रहा है। तो पॉइंट पहले से ही दिया है हमें, पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। दोनों का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 2y dy/dx इक्वल टू में 4, यहाँ से dy/dx इक्वल टू में हो जाएगा 4 और y में 2y, इसको काट देंगे 2 टाइम्स में, यानी कि 2yy हो जाएगा। इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं 2x इक्वल टू में 2dy/dx, ये कॉन्स्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, है ना जी। इसको डिवाइड में लेंगे तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू में हो जाएगा 2xy/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि यहाँ पे dy/dx जो हो जाएगा वह x आ जाएगा, ठीक है, यह x आ जाएगा। अब दोनों का वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं एट 1, 2 पे जो पॉइंट दिया है उस पर दोनों का वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर तो हम लोग देखते हैं, सपोज कर लेते हैं m1 को dy/dx एट 1, 2 पर, इसका क्या हो जाएगा 2y/2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यही ना जी हो जाएगा। दूसरे को m2 सपोज कर लेते हैं dy/dx एट 1, 2, x का वैल्यू यहाँ 1 ही रख देना था, m2 का वैल्यू 1 आ गया। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं कि लेट थीटा बी द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कर्व्स। थीटा है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि टेन थीटा इक्वल टू में होता है m1 - m2, है ना, m1 - m2 बाई 1 + m1 m2, यही ना होता है जी। चलिए अब इसमें हम लोग रख देते हैं टेन थीटा इक्वल टू में 1 - 1/1 + 1 × 1, तो आ जाएगा 0/2, यानी कि 0 हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू में 0 हो गया, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 ही ना होगा जी। तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में राइट।